हम एमपीपीएससी प्री 2020 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने संबंधी या हल करने संबंधी कुछ आधारभूत तथ्यों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आधारभूत तथ्य हैं जो हमको पेपर सॉल्व करते समय ध्यान देना चाहिए। यदि उन तथ्यों पर यदि हमने ध्यान दिया तो आपके प्रश्न पत्र में अधिक से अधिक प्रश्न सही होने की संभावना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें पेपर सॉल्व करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को फाइंड आउट करेंगे और उनका समाधान देखेंगे। मेरे हिसाब से जब मैंने उनको एनालिसिस किया तो मुझे 10 प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा सॉल्व करते समय समस्या क्रिएट करती हैं, और इन समस्याओं को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस तरीके से समाधान करना है, उन पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहली समस्या है कि हमें आते ही प्रश्न गलत क्यों हो जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से क्लियर होता है, हमें सब कुछ आता है तभी हमारा प्री नहीं निकलता है। इन बातों पर हम चर्चा करेंगे मैंने भी। तो ऐसी इन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि आपको पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ने का मतलब यह है कि वहाँ पर शब्दों को सही वे में आप समझ पा रहे हो अथवा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा साहित्यकार मधुमेह से संबंधित नहीं है। ये प्रश्न पिछली बार पीएससी में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए, ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन दे दिया उन्होंने केशव दास, तीसरा दे दिया कालिदास, चौथा ऑप्शन दे दिया गोपाल दास नीरजा। आपने नहीं शब्द को नहीं पढ़ा और आपने आंसर टिक कर दिया कालिदास। आपने पूरा प्रश्न पढ़ा ही नहीं और आपने आंसर टिक कर दिया। सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपको पहले पूरे प्रश्न को विकल्प सहित बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि सरल प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि टफ प्रश्न तो लगभग सभी से गलत होते हैं। सिलेक्शन टफ प्रश्न नहीं कराते हैं, सिलेक्शन आपका सरल प्रश्न कराते हैं। अर्थात सरल प्रश्न किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। और सरल प्रश्न कब गलत होते हैं? सरल प्रश्न गलत होने का सबसे प्रमुख कारण है आपकी जल्दबाजी, धैर्य ना होना। पेपर सॉल्व करते समय आत्मविश्वास और धैर्य का होना अनिवार्य तत्व है। यदि इन तत्वों पर ध्यान दिया आपने पेपर सॉल्व करते समय तो आपका सरल प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और पेपर सॉल्व करते समय ध्यान से पढ़ने के साथ साथ सही विकल्प चयन करना है। दूसरी समस्या यह आती है कि पेपर की प्रकृति कैसी है। प्रकृति को देख के कई लोग अपने आत्मविश्वास को धैर्य नहीं बचता, हमारा क्या होगा, हमने इतनी पढ़ाई की, हमसे कोई प्रश्न ही नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अर्थात ऐसी स्थिति में बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। यदि प्रश्न की प्रकृति टफ होती है तो अपने हमारे प्रश्न को प्रश्न पत्र हल करने की रणनीति कुछ अलग होगी। सबसे पहले तो ये सोचना है कि प्रश्न पत्र की पेपर को देखती हमें समझ में आता है कि कैसी है प्रकृति, जटिल है। इस जटिल प्रकृति को सॉल्व करना है तो हमें बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ना है, और यह तय करना है कि जो सरल प्रश्न है वो तो किसी भी कंडीशन में गलत ना हो। और 40-60% का रेशो आता है उसे जटिल प्रकृति का पेपर कहा जाता है, और 60-40 या 60-70-30 का पेपर आता है उसे सरल प्रकृति का पेपर कहा जाता है। यदि ऐसा आता है कि 60% प्रश्न कैसे टफ हैं और 40% प्रश्न सरल है, तो 40% सरल प्रश्नों को विशेष ध्यान देना, और जो 60% है उन प्रश्नों को एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व करना है ताकि आपके 50% प्रश्न सही होने की संभावना हो सके। तो एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है या एलिमेंट्री प्रोसेस क्या है, एलिमिनेशन क्या है, इसका सीधा मतलब ये होता है जब आप विकल्पों को पढ़ते हो उनमें से कुछ विकल्प ऐसे हैं जिनको आप जानते हो, आपको पता है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ऐसे विकल्पों को पहले हटा दो आप विकल्प चयन करने से पहले। तो इस प्रक्रिया को जब आप अपनाते हो तो आप दो विकल्पों के बीच मध्य में फंस जाते हो कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा गलत होगा। आपको ये लगता है ए भी होगा और बी भी होगा, तब ऐसी कंडीशन उन दोनों विकल्पों में जब आपकी अंतरात्मा आवाज़ देती है कि ये प्रश्न से पहले उसी को लगा, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि आपको बनता तो वैसे भी नहीं है, परंतु यहाँ पर आप अपनी अंतरात्मा की सुने। तो एलिमेंट्री प्रोसेस से यदि आप 60 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हो तो आपके 30 प्रश्न सही होने की संभावना है, 40 वो 30 है 70% क्वेश्चन आपके सही होंगे,
और यदि ऐसे टफ पेपर आता है तो आपका कट ऑफ 70 से कम ही जाता है। तो आपको पेपर सॉल्व विशेष रणनीति के लिए इन तथ्यों को याद रखना है। यदि अपन पिछले कुछ पेपर्स का 17, 18, 19 के प्री के पेपर्स को देखें तो उनकी प्रकृति ऐसी है, इस बार भी कट ऑफ 73 गया था, 69, ऐसी इन कट ऑफ की प्रकृति है, उनको आपको ध्यान रखना है कि पेपर का लेवल ऐसा ही है, बस जटिल प्रकृति का रहा है एक तरीके से आप सोचो तो। तो अपन को क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न बनते नहीं उनको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमने बता दिया एलिमेंट्री प्रोसेस। सबसे अधिक प्री एग्जाम के लिए एमपीपीएससी प्री एग्जाम किन विषयों पर फोकस करना चाहिए, उन विषयों पर फोकस करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रेगुलर पढ़नी चाहिए। अब देखो 25 तारीख से एक महीना आपकी परीक्षा का बचा हुआ है, तो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, उन टॉपिक को विशेष रूप से आपको फोकस करना है। उन पर ध्यान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मध्य प्रदेश जीएस, उसके साथ करंट अफेयर्स, तीसरा आपका जो नया टॉपिक्स जुड़ा है अधिनियम, और चौथा आपका जुड़ा है यूनिट 9। इन पर विशेष ध्यान देना क्योंकि 50% से अधिक पेपर यहाँ से पूछा जाने वाला, मेरे हिसाब से 60% पेपर इन चारों विषय से आएगा। इन टॉपिक्स को आप रोज पढ़ो, रोज इनका निरंतर अभ्यास करो, क्वेश्चन पेपर्स लगाओ, रोज इनका रिविजन करो, ताकि जितनी बार आप अभ्यास करोगे उतनी बार क्या होगा, आपका परिपक्वता आएगी, और जितनी परिपक्वता आएगी उतनी ही सफल होने की संभावना आपकी रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है मुख्य रूप से, नहीं तो दिक्कत आएगी। और सरल जैसे अब प्रश्न में कई में नहीं आता है, नहीं वाले क्वेश्चन में नहीं शब्द लिखा, उसको विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आपका आंसर 100% गलत होता है, आपने पहला ऑप्शन ही देख लिया और आपने लपेट दिया आंसर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसी गलती से आप सीधे एग्जाम से बाहर हो। इसलिए प्रश्न पत्र को अच्छे से देखना है, उसको सॉल्व करना है, एलिमेंट्री प्रोसेस का यूज़ करना है। यदि प्रश्न पत्र की प्रकृति जटिल है तो एक अलग प्रकार की रणनीति, उस समय आप अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को क्या करना है, सही आत्मविश्वासपूर्ण बनाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस मोरल बिल्कुल नहीं करना। ऐसी स्थितियों में आपको सिचुएशंस में आपको कंडीशनल निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। ऐसे कुछ पेपर्स आप पहले अभ्यास करो यहाँ पर, जिनकी प्रकृति जटिल टाइप की हो, जिसमें 60% क्वेश्चन टफ और 40% क्वेश्चन कैसे हों, सरल हों, इन्हें जटिल प्रकृति के। सरल प्रश्न आता है उसमें भी सरल प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो पेपर सरल प्रश्न का सीधा मतलब ये होता है कि आपसे बनते हैं जो आपने पढ़ा है, जटिल प्रश्न का सीधा मतलब ये होता है जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपसे नहीं बनता है, या कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जैसे पिछली बार बोधन दुआ वगैरह के ऐसे क्वेश्चन आए, तो वो जटिल प्रकृति के प्रश्न माने जाते हैं जो नहीं पढ़े, लगभग 90% लोगों से गलत होते, 10% तो वो हैं जिनसे सब कुछ बनता है, उनसे आपका कॉम्पिटिशन है ही नहीं, आपका कॉम्पिटिशन जो है 20% लोगों से, आप उस पर फोकस करो। यदि उस पर फोकस करना है तो निरंतर अभ्यास, रोज एक प्रैक्टिस पेपर लगाओ, एमपी करंट अफेयर्स, आयोग यूनिट 9, ये रोज इनका अभ्यास करो, रोज इनको पढ़ो, ताकि आपके अधिक से अधिक इन टॉपिक से, क्योंकि लगभग 30 से 35 नंबर का एमपी आएगा ही आएगा, तो एमपी से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मुख्यतः एमपी में जनगणना है, साहित्यकार हैं, कल्चर वाले पार्ट्स को हमेशा परीक्षा से पहले पढ़ के जाना, स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं तो स्पोर्ट्स का भी रोज आप एक स्पोर्ट्स पढ़ सकते हो, क्योंकि फैक्चुअल पार्ट्स है, और स्पोर्ट्स की शब्दावलियों को आप परीक्षा से पहले पढ़ के जाना है, इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात कि कुछ प्रश्न बिल्कुल आपने कभी सुना ही नहीं है, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, ऐसे प्रश्नों को हो सकता है आप इसमें आपकी एलिमिनेशन प्रोसेस भी शुरू नहीं हो रही है, तो अब क्या करें, अब तो ना तो एलिमिनेशन प्रोसेस है, नहीं आपने उनमें से किसी शब्द को सुना ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करें। तो देखो लगभग माना जाता है जो एक यूनिवर्सल जो पेपर होता है उसमें 25-25 प्रश्न के ऑप्शन ए होते हैं, 25 प्रश्नों के ऑप्शन बी होते हैं, 25 प्रश्नों के ऑप्शन सी होते हैं, और 25 प्रश्नों के ऑप्शन डी होते हैं। तो आप चयन कर सकते हो कि उनमें से कौन से प्रश्न हैं, आपने अपने जब तक जितने प्रश्न सॉल्व करें उनमें से ए आंसर्स कितने हैं, बी आंसर्स कितने हैं, सी आंसर्स कितने हैं, और आप जिस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हो जिनमें आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप वहाँ पर आप प्रायिकता का उपयोग कर सकते हो, ताकि हो सके कि आपका वो प्रश्न सही, गलत तो वैसे भी हो रहा है, तो ऐसा करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप
ऑप्शन तो लगाए, आपको पता ही चल जाएगा ए ऑप्शन आपने कितने लगाए हैं, बी आपने कितने लगाए हैं, सी आपने कितने लगाए हैं, डी। अब जो बचा है उन ऑप्शन में फिर आप तुक्का मारो। तो इस तरीके की चीज़ों पर आपको लास्ट वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल आपसे कुछ नहीं बनता है। तो मेरी आपकी 25 जुलाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर्वोदय परिवार की तरफ से कि आप प्री की परीक्षाएं साथ सफलता प्राप्त